गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेलकम बैक टू माई चैनल शुरुआत करते हैं कुछ धमाकेदार न्यूज के साथ so, पहली खबर यह है कि जो ये बजट है डेट इज ग्रोथ ओरिएंटेड एंड नो मेजर नेगेटिविटीज टैक्स स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया गया बट लूपहोल्स को प्लंक किया गया हुआ है और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग विल बी नाउट टैक्स सो so, आइए बात कर लेते हैं वो टेन धमाकेदार स्टॉक कौन सी हैं तो शुरुआत करते हैं कस्टम ड्यूटीज बढ़ने की वजह से इम्पोर्ट हमारा थोड़ा सा अब कम रहेगा जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज में काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी और हम पहला देखेंगे अंबर इंटरप्राइज इंडिया में हमें इसमें काफ़ी चेंज आते हुए दिखेंगे थर्ड स्टॉक इज़ अशोक ली लैंड विच विल बी गुड फॉर द कमिंग ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स विल भी गुड फॉर द नेक्स्ट ईयर बिकॉज सिक्सटी एट परसेंट ऑफ द डिफेंस कैपिटल बजट इज़ एलोकेटेड टू द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अल्ट्राटेक का सीमेंट स्टॉक हमें अच्छा करते हुए देखेगा बिकॉज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ऑफ किलोमीटर हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे साथ ही साथ एट्टी लैक्स हाउस इन फाइनेंशियलियलिययर अंडर पी एम आवास योजना में एलोकेट किए जाएंगे फाइनेंस सेक्टर के लिए ये बजट काफी अच्छा आ रहा है जिसमें हम आई सी आई सी आई बैंक को काफ़ी अच्छा करते हुए देखेंगे बिकॉज ई सी एल एस सी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड अ पार्ट ऑफ दैट अदर लोन सेक्टर विल बिकॉज फाइव जी इज गोइंग टू रोल आउट टेना कॉरपोरेशन का हमें एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है बिकॉज हंड्रेड न्यू कार्गो टर्मिनल्स बनाने की घोषणा की गई है पार्ट ऑफ दैट सेटिंग अप ऑफ फोर न्यू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन टू फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में देखे जाएंगे हमें आई टी सी का स्टॉक भी अच्छा करते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें नो टैक्स हाईकॉन सिगरेट है अभी और सेकेंड क्या है किसान ड्रोन फॉर द क्रॉप असेसमेंट के लिए भी स्प्रेइंग के लिए यूज होगा इसमें भी काफ़ी उछाल देखने को मिलेगा बिकॉज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द रेलवे इंक्रीज बाई फोर्टीन परसेंट ऑन ईअन बेसिस सुप्रीम इंडस्ट्री का भी स्टॉक हमें अच्छा करते हुए देखने को मिलेगा बिकॉज सिक्सटी थाउजेंड करो अलॉटेड अंडर द हर घर जल प्रोग्राम एंड दैट इज़ गुड फॉर द इंडिया डेवलपमेंट यहाँ पे कॉमर्स एंड सेक्रेटेट बी का कहना है कि इंडिया नीडेड ए लार्ज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद डिजिटली साइंट एंड डिजिटली इनबल्ड यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ बिग बास्केट के लिए क्योंकि इट हैज़ इन इट्स एक्सपेंशन इन एटीन टायर टू सिटीज टू एकरा की रिपोर्ट के हिसाब से टू व्हीलर्स की जो सेल है तो वो जनवरी में डिप हुई है ट्वेंटी वन परसेंट वन मोर न्यूज की रिपोर्ट्स मार्जिनल इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन जनवरी पी डब्ल्यू सी का एनालिसिस ये कहता है इट्स दिस बजट इज ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रोग्रेसिव बजट सो एज पर दैट पी डब्ल्यू सी इंडिया दिस यार्ड सीट ऑफ स्टेबिलिटी प्रोडिक्शन एंड रेसलनाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन डिफाइन द टैक्स प्रपोजल स्क्रीन पॉज करके आप टी ये एक, एक एनालिसिस दे रखी है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की आप पढ़ सकते हैं जैसे कि टैक्स रेट की जो थीम थी वो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्स पॉलिसी क्या थी स्टेबिलिटी देन वी हैव एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ टैक्स हॉलीडेज थीम थी मेक इन इंडिया देन टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एक्सेट्स के लिए थीम थी प्रोमोटिंग डिजिटाइजेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्स पॉलिसी इज प्रोडिक्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी And so, on some other schemes like promoting digitization and ease of doing business, and tax policy will be a building trust. Now, in this move, we have seen that uh, the HDFC is going to be re-rated after a strong quarter three result. Uh, here, we can see that the brokerages give the thumbs up, and uh, for them, it's a good budget. Here we can see that the financials. सेट टू गेन फ्रॉम द कैपेक्स पुश जो इंडिया का दिया गया सेवन पॉइंट फाइव ट्रिलियन का रुपीस और एंड डिजिटल पुश तो कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं जैसे वी आर एल लॉजिस्टिक लिमिटेड का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है तो स्टॉक में हम कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं एच डी एफ सी इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टर्स बिकॉज इसके क्वार्ट रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं सॉरी इट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर द अपोलो टायर्स जिसका प्रॉफिट फॉल होते हुए दिखाया हमें संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की हमें प्रोफाइल में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है रिजल्ट एंड इट्स गुड फॉर देम या इस एन एच क्लियरिंग लिमिटेड इसकी भी स्टॉक में हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया एंड इट्स गुड फॉर देम इंटरटेनमेंट कुछ अच्छा इंटरटेनमेंट नहीं कर पाया इस साल और इस क्वार्टर में हमने इसको डाउनफॉल देखा है इसके प्रॉफिट्स में त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड अच्छा करते हुए इस क्वार्टर में दिखा हमें एंड गुड एक्रेसिव लिमिटेड का भी प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहा है और ये स्टॉक काफी ऊपर तक जाते हुए देखने को मिलेगा तो शुगर खाने वालों के लिए एक अच्छी खबर बलराम चीनी मिल का क्वार्टर थ्री रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है तो इट्स गुड मूवमेंट फॉर दिस स्टॉक मथूड के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा है ईयर एंड इट्स गुड मूवमेंट फॉर द मथुड होम फाइनेंस टू महेंद्र फाइनेंस के भी अच्छे रिजल्ट आते हुए एंड इट्स गुड फॉर द स्टॉक Thanks a lot for watching my channel keep updated yourself and keep on invested and be a smart investor